पहले तो मैं बताऊं कि महीने हो गए बारिश नहीं हुआ है जी। और टेल तक पानी पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और ये पंप देखने आए थे कि इसमें बिजली की उपलब्धता हो और पंप चले, टेल तक पानी पहुंच के एक बार सिंचाई हो जाने के बाद ये धान की फसल कट जाएगी, इसके लिए आए थे। और यहाँ आपको पता ही होगा, पेपर में भी आप लोगों ने दिया था, यहाँ पैसा सेंसन हो गया है पंप को चेंज करने के लिए और सारी प्रक्रिया कानूनी पूरी हो गई है, अब टेंडर की प्रक्रिया में है, अब 2-4-10 दिन में जब भी वो टेंडर हो जाएगा और 6 महीना अगले सीजन तक हमारा 8 पंप बदल जाएगा। ये क्षेत्रीय जनता के लिए, किसानों के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए सौभाग्य की विषय है कि ये पंप बदलने पर रोस्टर नहीं चलाना पड़ेगा। गाजीपुर का जमानिया धान का कटोरा कहा जाता है। जमानिया क्षेत्र में कई प्रजातियों के धान उगाए जाते हैं। ऐसे में बाढ़ का पानी उतरने के बाद पानी की भारी किल्लत हो जाती है, ऐसे में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश की योगी सरकार ने पंप कैनालों के कायाकल्प के लिए कदम बढ़ाया है। इसी क्रम में जमानिया के चक्काबाद इलाके के चौधरी चरण सिंह पंप कैनाल को हाईटेक बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से 25 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। आने वाले समय में किसानों को ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। ऐसी ही कवायद प्रदेश के अन्य पंप कैनालों को भी लेकर की जा रही है। गाजीपुर से उज्ज्वल राय ईटीवी के लिए।